हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पहुंच चुके हैं नाथद्वारा में। जी हाँ दोस्तों, आज का व्लॉग है स्टैच्यू ऑफ बिलीव यानी कि भगवान शिव की विश्व स्वरूपम की मूर्ति को एक्सप्लोर करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया व्लॉग। और हम लोग पहुंच चुके हैं लोकेशन पे। ये देखिए, ये है यहाँ का एंट्री गेट। एंट्री गेट पे ही भगवान हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित किया गया है। भगवान हनुमान जी की गोल्डन कलर की मूर्ति बहुत ही सुंदर लग रही है। ये देखिए गोल्डन कलर के हनुमान जी। तो टिकट का क्या सीन है, हम लोग अंदर चल के देख लेते हैं कि टिकट हमें कैसे प्राप्त करनी है। ये है टिकट काउंटर का बेसमेंट। बेसमेंट में आपको टिकट्स मिल जाएगी। SBI का ATM भी आपको देखने को मिलेगा अगर आप कैश विड्रॉ करना चाहें तो। हम लोग समय से थोड़ा पहले पहुंच चुके थे तो फिलहाल ये खुला नहीं है। 10 से 8 जो है वो पार्क का एंट्री टाइम है, उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। 9:30 बजे हम लोग पहुँच चुके थे तो फिलहाल हम टिकट लेके जो है वो सिक्योरिटी चेक इन की तरफ आ चुके हैं। ये देखिए, ये है सिक्योरिटी चेक इन। सिक्योरिटी चेक इन करवा के हम लोग अंदर जा रहे हैं स्टैचू की तरफ। लगभग आपको 400 से 500 मीटर अंदर जाना पड़ेगा। ये है भगवान शिव की स्टैचू, साइड से भी बहुत ही सुंदर लग रही है। ये है मुख्य कॉरिडोर की तरफ जाने का रास्ता। यहाँ आपको भगवान शिव की जो है वो लिंगी भी विराजमान की हुई दिख जाएगी। रात को यहाँ लेजर लाइट का शो होगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग मुख्य कॉरिडोर की तरफ। मुख्य कॉरिडोर से जो है वो हमें भगवान शिव की मूर्ति में जाने के लिए सीढ़ियाँ मिलेगी। ये देखिए, ये है सीढ़ियाँ मुख्य कॉरिडोर की तरफ जाने की। ये आ गए हैं मुख्य कॉरिडोर। ये जो सीढ़ियाँ हैं वो हमें स्टैच्यू ऑफ बिलीव के अंदर जाने वाले रास्ते की तरफ लेकर जा रही है। बहुत ही सुंदर पार्क बनाए गए हैं आसपास के। और ये सीढ़ियाँ लगभग 250 से 300 सीढ़ियाँ हमें ऊपर चढ़नी पड़ रही है। सीढ़ियों के बीच में ही भगवान नंदी जो है वो विराजमान है। आसपास जो है वो भगवान शिव के मंत्रों का उच्चारण जो है वो चलता रहता है यहाँ पे। और रात को यहाँ पे लेजर लाइट का भी शो होता है। हम लोग यहाँ सुबह ही आ चुके थे तो हम लोग शायद वो एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। लेजर लाइटिंग और लेजर लाइट के साथ जो है वो साउंड का शो यहाँ रात को मुख्य कॉरिडोर में आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, ये है भगवान नंदी की प्रतिमा। ये प्रतिमा जो है वो 25 फीट ऊंची बताई जाती है। 25 फीट ऊंची भगवान नंदी की प्रतिमा, भगवान शिव की तरफ मुंह की हुई नंदी। देखिए बहुत ही सुंदर ये भी नज़र आ रही है। और ये है हमारे सर्वप्रिय भगवान शिव। विश्वास स्वरूपम का लोगो भी यहाँ दिख रहा होगा आपको। विश्वास का प्रतीक विश्वास स्वरूपम स्टैच्यू ऑफ बिलीव। ये भगवान शिव कैलाश पे विराजमान है।
ये एक छोटी प्रतिमा भी जो है वो हमें एंट्री गेट पे ही देखने को मिल जाएगी, भगवान शिव की छोटी प्रतिमा, वो कि वो जो है वो 350 फीट ऊंची दिखाई दे रही है ऊपर। अरे गर्मी में गर्म होता सी बहुत, गर्मी में बहुत गर्म होता सी। खुल गया इस गेट से जो है वो आपको अंदर जाना है, ऑटोमेटिक गेट। ये है वो रास्ता, लंबो खासो कर रखे हो ना। यह है एक और सिक्योरिटी चेकिंग, यहाँ से जो है वो आपको अंदर जाने का रास्ता मिलेगा। बार बार हम जो है वो सिक्योरिटी चेकिंग करवा लेते हैं। सारा कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए साथ में थे, हम आ चुके हैं अंदर। हमें जो है वो ग्रुप्स के अंदर ऊपर लेकर जाएगा, ले जाया जाएगा लिफ्ट के अंदर। हमसे पहले वो जो है वो एक ग्रुप और था, वो पहले जो है उनको लेकर जाएंगे। यहाँ आपको जो है वो वेटिंग एरिया है, थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा। तो हमारी टर्न आ चुकी है और हमें लेकर जाया जा रहा है लिफ्ट के अंदर। कुछ लोग जो है वो दिख के आ चुके हैं, वो लोग आ रहे हैं नीचे। दो लिफ्ट्स जो है वो यहाँ आपको मिलेगी। अरे खासा लोग आ रहे हैं। शेर भाई क्या क्या शेर हो? अरे तो स्टेप हो रहे यार, हाँ ये करेगा साके जाली और जाल ला। मैं यार स्टेप गलत बना उड़ा है। स्टेप गलत है, ये लगे सही में नीचे गया।
लास्ट पॉइंट है क्या? लाइक सब्सक्राइब।